सीजो न्यूज, हर खबर आप तक। मुजफ्फरपुर जिला की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि जिला के विभिन्न थाना में अहियापुर, मीनापुर, करजा, गयाघाट व जैतपुर ओपी क्षेत्र से 10 अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा है। बता दें कि गिरफ्तार अपराधियों में बीते दिनों पुलिस कर्मियों पर हमला करने वाले के साथ शराब माफिया व लूट में शामिल लुटेरा को गिरफ्तार किया गया है। प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी मनोज कुमार ने बताया कि जिले की अहियापुर, मीनापुर, करजा, जैतपुर ओपी व गयाघाट थाना क्षेत्र में अपराध का षड्यंत्र रचते और विभिन्न घटनाओं में आरोपित 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि बीते दिनों अहियापुर में शराब जब्ती के दौरान सिटी एसपी नीरज कुमार सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मियों पर पथराव करने वाले आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं गयाघाट के बेनीबाद ओपी क्षेत्र से 3 दिन पहले लूटे गए 6 लाख रुपए की फेविकॉल सहित पिकअप गाड़ी को पुलिस ने एक पूर्व मुखिया के गोदाम से बरामद कर लिया है, जिसमें पूर्व मुखिया का बेटा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विभिन्न थाना क्षेत्रों से गिरफ्तार किए गए अपराधियों के पास से पिस्टल, देसी कट्टा, लूटे गए 2 पहिया व 4 पहिया स्कॉर्पियो वाहन, दर्जनों जिंदा कारतूस सहित शराब एवं अन्य सामान को जब्त किया गया है। एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। प्रथम पॉइंट यह है कि 3 लूट की घटनाओं को रोका गया है और 3 कांडों का, पुराने कांडों का उद्भेदन भी हुआ है। जैसे ये जो कर्जा में वाहन जांच के दौरान संदेह के आधार पर जब जांच किया गया तो एक व्यक्ति मिला जिसके कमर में 2 पिस्टल थे और वह बुलेट सवार था। उद्भेदन से स्पष्ट हुआ कि सरैया में जो बुलेट की लूट हुई थी वो वही बुलेट था और लूटे गए बुलेट के मालिक का पर्स भी उसके पास से बरामद हुआ और इसका पूरा का पूरा गैंग का भी उद्भेदन हुआ है। उसे पुलिस, सरैया पुलिस काम कर रही है। तो इनके पास से 2 लोडेड पिस्टल, 1 बुलेट और 1 पर्स जो लूट का ही माल है, के अलावा सिम और मोबाइल मिले हैं। कर्जा का, जिसमें सटीक सूचना के आधार पर जब जांच की जानी लगी तो एक व्यक्ति एक गाड़ी के साथ किसी का टक से पकड़ा गया। उसके पास जो बरामदगी हुई और पूछताछ के दौरान इसमें भी एक गैंग का उद्भेदन हुआ है। ये भी ग्रुप कोई घटना करने वाला था। मीनापुर से भी, जिसमें एक स्कॉर्पियो और असला के साथ में, जिसमें कुछ गोलियां हैं, मैगजीन है, पिस्टल को कहीं अंधेरे में देखने में कामयाब रहा है, उसको सर्च किया जा रहा है, उसको पकड़ा गया है। सबसे बड़ी उपलब्धि हुई जो मीडिया में आया था कि 6 लाख का फेविकॉल लूटा गया था, तो पूरा का पूरा फेविकॉल पुलिस ने बरामद कर लिया है और एक मुखिया पुत्र, बंगरा पंचायत के पूर्व मुखिया के पुत्र नंद किशोर यादव, ये पकड़े गए हैं। इनके गोडाउन से पूरा का पूरा माल बरामद हो गया है, वाहन भी बरामद हो गया। घाट में जो खेला का जो, बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ से बरामद हुई सर? ये बंगरा पंचायत के पूर्व मुखिया हैं, उन्हीं के गोडाउन से। क्या इतिहास है लोगों का? हम लोग सब पता कर रहे हैं, पूरा गैंग का उद्भेदन हो गया है, शेष लोग फरार हैं। तो इस प्रकार 3 मामलों के बारे में हमने बताया है। चौथा मामला है जो अहियापुर का है, जिसमें पूरे 2 मोहल्ले को पुलिस पार्टी के द्वारा घेराबंदी की गई रात्रि में और सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें शराब के 2 धंधेबाज पकड़े गए। उनके पास से 391 बोतल शराब भी बरामद की हुई।
उसके बाद आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले विजय छपरम पुलिस टीम पर हमला हुई थी, उसमें CTSP गए थे तो उनके भी जिप्सी पर रोड़ा फेंका गया था, उसमें से दो मुख्य अभियुक्तों को भी उसमें से तीन नामजद अभियुक्तों को पुलिस पार्टी ने गिरफ्तार किया।